फूलों से सज गई हवेली। देवराज के जन्मदिन का जश्न। जी टीवी की सीरियल तेरे बिना जिया जाए ना में आज देवराज गुलाबी रंग का कुर्ता और जैकेट पहन सर पर पगड़ी डाले राजकुमार की तरह सजे हुए हैं। उनका स्वागत भी फूल बिछाकर किया जा रहा है। उनकी शान तो देखने लायक है, और हो भी क्यों ना, आज देवराज का जन्मदिन जो है और उस दिन पूरी हवेली जगमगाती है और साथ ही होता है महाहवन भी। हाँ, एक्चुअली जया माँ जो है वो देवराज का दो बर्थडे मनाती है, एक उसका जो एक्चुअल बर्थडे है और जो दूसरा एक रसम एक होती है उसके जन्मतिथि के हिसाब से कुछ, तो उसके लिए हवन करवा रही है। मतलब यहाँ पे छोटी सी छोटी रस्म को भी बहुत ही ग्रैंड तरीके से यू नो मनाया जाता है, जैसे कि ये भी सिर्फ एक बर्थडे का हवन है लेकिन ग्रैंड इतनी एंट्री, हमारी आउटफिट्स इतनी रॉयल हैं। मतलब कृषा तो ऐसे आ रही थी लेकिन अंजलि का मन कर रहा था जैसे ढोल बजा वो ऐसे ऐसे करके एंटर करके आ जाए क्योंकि इतना डांस निकल रहा था मेरा, तो मेरे लिए ना ये सारे सीक्वेंसेस करने बड़े डिफिकल्ट हो जाते हैं क्योंकि अंदर से इतना डांस निकल के आ रहा होता है और मुझे ऐसा सहमी हुई कृषा की तरफ चलना होता है, बहुत डिफिकल्ट हो जाता है मेरे लिए। देवराज तो देवराज, आज कृषा का लुक भी देखने लायक है। वो भी देवराज के रंग में रंगी हुई है, गुलाबी रंग का लहंगा और घूंघट ओढ़े वो किसी दुल्हन से कम नहीं लग रही। ये शिवानी ने डिजाइन किया है एंड आई लाइक दिस, वेरी प्रिटी, एक नेट का दुपट्टा दिया है, ये स्कर्ट है और हमने ये बनारसी साड़ी को साइड में प्लीट्स करके यहाँ से उसको पूरा पल्लू ऐसे दिया हुआ है एंड सारी विमेन का थीम पिंक है। एक्चुअली सारी विमेन नहीं, सबका थीम पिंक है, एवरीबडी इज़ वेयरिंग कोई ना कोई शेड ऑफ पिंक, सो बहुत प्रिटी लग रहे हैं सब लोग, बहुत सब लोग पिंकी पिंकी से लग रहे हैं, बहुत प्यारे लग रहे हैं सब लोग। सब प्यारे जरूर लग रहे हैं लेकिन सभी के चेहरे पर परेशानी की लकीर साफ साफ नजर आ रही है, चाहे वो देवराज हो, कृषा हो, देवराज की माँ जयलक्ष्मी हो या घर के बाकी लोग, सभी हवन के दौरान टेंशन में नजर आ रहे हैं, यानी ट्विस्ट का आना तो तय है। चल हवन रहा है लेकिन सबके एक्सप्रेशंस आप नोट करेंगे कि सबके ऐसा लग रहा है कि लाइफ में कुछ ना कुछ अलग ही चल रहा है, सिर्फ हवन के लिए साथ में सब लोग बैठे हुए हैं। जैसे कृषा का ध्यान रति और आरव में क्योंकि उनका एक राज सुलझाना है, जया माँ और देवराज और रोमा का अलग है, रोमा यहाँ पे है नहीं बट वो लोग रोमा से यू नो बात करने की कोशिश कर रहे हैं, तो सबका ध्यान कहीं ना कहीं है, इतने सारे राज खुलने वाले हैं, अब इतने इंटरेस्टिंग चीज़ें होने वाली है ना आगे, सब कुछ नहीं बताऊंगी लेकिन ये बता सकती हूँ कि बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ें होने वाली हैं। भाई कृषा के सामने तो राज धीरे धीरे खुलते जा रहे हैं और उन्हें सुनकर कृषा का दिल भी टूट रहा है। इससे पहले उसने देवराज और उसकी माँ का कन्वर्सेशन भी सुन लिया था जहाँ पर देवराज माया को अपनी जिंदगी बता रहे हैं, जिसे सुनकर कृषा टूट सी गई है और अब आगे चलकर कृषा फैसला करेगी घर छोड़कर जाने का। अब देखना होगा कि कहानी में और क्या नया ट्विस्ट आएगा। मुंबई से नुपुर माउची के साथ ब्यूरो रिपोर्ट।